सुप्रभात बच्चों, हमने पहली वीडियो में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के बारे में पढ़ा, पूरक पाठ पढ़ा और अब हम उसी पाठ के शब्दार्थ करते हैं। चक्राणी, चक्राणी अनेक पहिए, भ्रमंती घूमते हैं, काह कौन सब क्या सब स्त्रीलिंग के लिए, तानी वे सब नपुंसकलिंग, कच्छ पाहा अनेक कछुए, मक्षिकाहा अनेक मक्खियां, ए तानी ये सब नपुंसकलिंग, ताहा वे सब स्त्रीलिंग, सा ते ताहा, मृगाहा अनेक हिरण, वदंती बोलते हैं। बेटा, अब हम इसी पाठ का अभ्यास करते हैं, पाठ आठ का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर देखिए शब्द रूप दिए हुए हैं और शब्द रूप में शब्द रूप का एक एक वचन दिया हुआ है, कहीं पर एक वचन, कहीं पर द्विवचन और कहीं पर बहुवचन। आपको इसे कंप्लीट करना है, पूरा करना है। मूल शब्द लता, अब देखिए लते दिया हुआ है सेंटर में, लता लते लताहा। छात्र शब्द है, छात्र है छात्रौ छात्राहा। कमल शब्द, कमलम कमले कमलानी। सैनिक, सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। गज, गज है गजौ गजाः। बाला, बाला बाले बालाः। बेटा, प्रोनंसिएशन ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। जहां पर भी डबल ओ की मात्रा है उसको औ बोला जाता है। कमले, कमलानी छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की साउंड ही आप देंगे। प्रश्न नंबर दो में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर धातु रूप है, धातु का अर्थ होता है क्रिया, वर्ब। अब देखिए पहले मूल धातु दी गई है, फिर उसका प्रथम पुरुष, क्योंकि अभी हमने प्रथम पुरुष ही पढ़ा है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सेम उसी की एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं। वद, प्रथम पुरुषः, वदति वदतः वदन्ति। हस, प्रथम पुरुषः, हसति हसतः हसन्ति। पच, प्रथम पुरुषः, पचति पचतः पचन्ति। पठ, प्रथम पुरुषः, पठति पठतः पठन्ति। लिख, प्रथम पुरुषः, लिखति लिखतः लिखन्ति। खाद, खादति खादतः खादन्ति। यहाँ पर देखिए परस्पर मेल कीजिए। प्रश्न नंबर तीन, मैच करना है। आप देखेंगे जहाँ बहुवचन है उसके साथ में बहुवचन, जहाँ द्विवचन है उसके साथ द्विवचन, जहाँ एक वचन है उसके साथ में एक वचन लगाएंगे। नराः बहुवचन है तो आप देखिए हसन्ति। बालकाः बहुवचन है वदन्ति। महिले द्विवचन है पचतः, पचतः भी द्विवचन है, दो महिला पकाती हैं। खगाः बहुवचन है तो इसके साथ उत्पतन्ति, पक्षी उड़ते हैं। चक्रम एक वचन है, नपुंसकलिंग है, भ्रमति पहिया घूमता है। प्रश्न नंबर चार में प्रश्न निर्माण कीजिए। फले पततः, एक एग्जाम्पल दिया गया है, फले नपुंसकलिंग द्विवचन है तो आप नपुंसकलिंग द्विवचन किम के रूप लगाएंगे। के पततः, किम के कानी, यहाँ पर के द्विवचन है तो के पततः। पुष्पम विकसति, किम विकसति, यहाँ पर देखिए नपुंसकलिंग एक वचन है तो किम। मृगाः धावन्ति, के धावन्ति, मृगाः पुल्लिंग बहुवचन है तो क कौ के आएगा। अश्वौ चलतः, अश्वौ द्विवचन है तो कौ चलतः द्विवचन पुल्लिंग। छात्रे नमतः, यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग है का के काः तो के नमतः, छात्रा छात्रे छात्राः। बालिकाः क्रीडन्ति, बालिकाः स्त्रीलिंग बहुवचन है तो का के काः
कहाँ क्रीडंती। प्रश्न नंबर 5, कर्ता शुद्ध कीजिए, छात्रौ पश्यति। यहाँ पर देखिए कर्ता काम को करने वाला, जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और अंडरलाइन भी किया हुआ है। अगर अंडरलाइन नहीं किया तो आप उसे खुद समझेंगे। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। छात्रौ पश्यति, यहाँ पर देखिए पश्यति, पश्यति को देखकर आप जज कर सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन आएगा छात्रः। बालः क्रीडतः, यहाँ क्रीडतः को देखकर आप देख सकते हैं कि द्विवचन आएगा बाले क्रीडतः। विमाने उत्पतन्ति, उत्पतन्ति को देखकर आप विमानानि बहुवचन लगाएंगे। बालिका गच्छतः, गच्छतः को देखकर आप द्विवचन बालिके लगाएंगे। पुष्पम विकसतः, विकसतः को देखकर आप पुष्पे द्विवचन लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। चक्रम भ्रमति द्विवचन में चेंज करना है। चक्रम का द्विवचन चक्रे, भ्रमति का द्विवचन भ्रमतः, तो चक्रे भ्रमतः। कच्छपौ चलतः, एक वचन बनाना है। कच्छपौ का एक वचन कच्छपः, और चलतः का एक वचन चलती, कच्छपः चलती। मक्षिका उत्पतति, द्विवचन बनाना है। मक्षिका का एक द्विवचन मक्षिके, और उत्पतति का द्विवचन उत्पततः। मीना तरती, बहुवचन बनाना है। मीनाः तरन्ति। मृगः धावति, बहुवचन मृगाः धावन्ति। मृगे का बहुवचन मृगाः, और धावति का बहुवचन धावन्ति। स पठति, द्विवचन बनाना है, तो स का द्विवचन तौ, और पठति का द्विवचन पठतः। प्रश्न नंबर 7 में तालिका में दिए गए पदों को जोड़कर 3 वाक्य बनाने हैं। आपने देखिए पहले कॉलम में ते दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में सिंगाः भक्ताः बालाः, तीसरे कॉलम में नमन्ति क्रंदन्ति गर्जन्ति। क्रंदन्ति मीन्स रोते हैं, गर्जन्ति गरजते हैं, नमन्ति नमस्कार करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप शेर गरजते हैं तो उसके साथ में सिंगाः आ जाएगा, भक्त नमस्कार करते हैं तो उसके साथ में भक्त आ जाएगा, और बच्चे रोते हैं तो उसके साथ में बाला आ जाएगा। इसी को मिलाकर और ते तीनों सेंटेंस के साथ में आएगा। पहला सेंटेंस बनेगा ते सिंगाः गर्जन्ति, फिर देखिए ते भक्ताः नमन्ति, ते बालाः क्रंदन्ति। बेटा अब हमारा ये 5-8 पूरा हुआ, और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से आप वीडियो को सुनेंगे, तो आपको एक एक शब्द अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आशा है आप इसको इसी तरीके से दोहराएंगे। धन्यवाद।